अगली खबर आ रही है नसरुल्लागंज थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हाथी घाट में मध्याह्न भोजन की अध्यक्ष ने आंगनबाड़ी सहायिका के साथ मारपीट की। घायल सहायिका को सिविल अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार किया, जिसके उपरांत फरियादी सहायिका ने नसरुल्लागंज थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। फरियादी सहायिका आरती प्रजापति ने पुलिस को बताया कि हाथीघाट ग्राम की ही रजनी कुशवाहा, जो कि आंगनवाड़ी में मध्याह्न भोजन स्वसहायता समूह की अध्यक्ष, पिछले 2 माह से आंगनवाड़ी के बच्चों को खाना नहीं दिया जा रहा है। फरियादी द्वारा समूह की अध्यक्ष रजनी कुशवाहा को कई बार भोजन समय पर दिए जाने को कहा तो वह गाली गलौच करने लगती है। सहायिका व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ रंजनी और उसकी दोनों लड़कियों ने गंदी गंदी गालियां देते हुए मारपीट की। इसी बीच बचाव करने स्वर्णलता आई, जो रजनी व उसकी लड़कियों ने भी झूमा झटकी की। तभी रजनी के पति प्रकाश और उसके लड़के कृष्णा द्वारा डंडे से मारपीट की, जिससे फरियादी को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने 5 लोगों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया है। सर वो तो 3 महीने से तो पूरा नाश्ता निरस्त दे रहे हैं। खीर पूरी की वजह से बात हुई थी, उसने मंगलवार के दिन खीर पूरी नहीं दी। मैंने इतना बोल दिया था कि आज तेल बच गया भैया, बस यही बात है और कोई बात नहीं इसके लिए। अच्छा, तो ये भोजन कब से नहीं दे रहा? सर 2 महीने से तो नाश्ता निरस्त बिल्कुल ही नहीं दे रहा, और कहने जा रहा था लड़ाई करता हूँ। अच्छा, ये मामला हाथीघाट का? हाँ, हाथीघाट का। तो सुपरवाइजर से बोला आपने? बोला था सर, मीटिंग में भी बोला, दी दी गई थी बार बार इनसे। क्या नाम सुपरवाइजर का? मधु दुबे। क्या घटना हुई? मेरा नाम स्वर्णलता व्यास है, हाथीघाट में मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ। समूह वाले नाश्ता नहीं दे रहे थे, इस वजह से हमने शनिवार को बोला था। शनिवार उसने मारने की धमकी दे के गया। अच्छा। आज पहले रजनी कुशवाही जो समूह की अध्यक्ष है, उसने बात ही बात में मारना चालू कर दिया। मैं जैसे इनको मारने की वीडियो बना रही थी, पहले उसकी लड़की बड़ी वाली मेरे हाथ से मोबाइल छुड़ा लिया, तो मेरे हाथ में भी जिधर किधर चोट लगी। और उसके बाद में प्रकाश कुशवाहा, रजनी कुशवाहा का हस्बैंड, आते से इनको मारने लगा। ये खून में लथपथ हो गई, हम दोनों आंगनबाड़ी केंद्र से बाहर निकले, पूरे गांव के इकट्ठे हुए, पर किसी ने कुछ नहीं बोला। आके हमने थाने में और दर्ज किया। अच्छा, आपका हार भी छीन लिया? हाँ। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में 4 चांद लगाए। रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।